हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पीएट बाबा। मेरा नाम है अर्शद और मैं घूम रहा हूँ शॉर्ट ट्रिप पे उत्तराखंड में। आज मेरी ट्रिप का है चौथा दिन। कल हमने सेलिब्रेट किया नौली गांव में बिफोर मैरिज पार्टी, लेकिन शादी के लिए रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए दिन बहुत कम है। कल ही बचा है, कल संडे है और कल प्लान किया। कोई बोल रहे थे कि शादी में रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं, चलते रहना। आगे जाते हैं चौपटा। दीपक भाई मेहमान नवाजी हैं, बहुत मज़ा आया। अच्छा, आंटी ने भाई मस्त मनाया, साग और देसी घी, हरी सब्जी, घर का घी, घर का घी और हरी सब्जी खाना खाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30 सुबह के, तो चौपटा यहाँ से लगभग 105-110 किलोमीटर दूर है। 4 घंटे का, 3.5 घंटे का रास्ता है। तो पहुँचते हैं आज की रात चौपटा में। पहले मैं भाई पेट पूजा कर लूँ, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे को। तो यार देसी घी खाने का सबसे अच्छा जुगाड़ है, उसमें डालो नमक, थोड़ी सी डालो मिर्ची और बना लो देसी घी का मसाला। मस्त लगती है, मज़ा आ गया यार। आंटी बोल रही है आज गीत गाए जाएंगे, आज आज हल्दी की रस्म है। निशानी के तौर पे इस गांव से ले जाते हैं पके पके ऑरेंज। चौपटा में बैठ के याद आएगी इस गांव की। आहा, हल्का सा कच्चा है ये, अभी इस पेड़ के पके नहीं है। बस 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 बहुत है, ये तो है ना। चलो यार आंटी को प्रणाम करते हैं। आंटी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए, मनोकामना पूर्ण करें परमात्मा। बहुत अच्छा लगा, मंगलमय हो। चलो दीपक भाई थोड़ा अच्छे से रास्ते से लेके चलना, अब बैग है मेरे पास। कल रात को दिखा नहीं पाया था किस रास्ते से आए थे हम, अब दिखाता हूँ। ऐसा घास क्यों लगाया यहाँ पे? अच्छी घास ही है, ये चारा है ना गाय के। आगे मेन रोड पे तो भाई खड़ी यहाँ पे अपनी बाइक, अभी दिखाता हूँ मैं हम कहाँ से आ रहे हैं। उधर एक घर दिखेगा आपको यहाँ पे, यहाँ से आ रहे हैं हम। ये खड़ी अपनी बाइक, इधर सामान लोड करते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा दीपक भाई होते मुलाकात जल्दी। आ गया ये। हर महादेव शंभो, हम बोले है मेन रोड, यहाँ पे आ गया हम मेन रोड पे। ये थी गांव की रोड। थोड़ी देर यहाँ पे मैच देखते हैं और संतरे खाते हैं जो मेरे को आंटी ने दिए थे बहुत सारे। तो यार अभी मैं आ रहा था पौड़ी से, मैं रुका था संतरे खाने, तो मेरे को 3 बंदे मिले, तो उन्होंने मेरे को पौड़ी में ही देख लिया था, तो मैं बैठे बैठे संतरे खा रहा था। तो ये रुके, आ जाओ यार, आ जाओ। तो भाई ये है, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, क्या क्या नाम है? तरुण वर्मा। आ जाओ भाई, तू भी आ जाओ। शेख साहिब। कहाँ से भाई? पौड़ी। पौड़ी से। पौड़ी से भाई, जा रहे हैं श्रीनगर घूमने, हमें जाना है चौपटा। यार बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। Keep following Beard Baba और keep traveling, stay safe, stay healthy, travel करते रहना। वही चाय अंकल, एक चाय कर दो। चाय भाई के लिए, मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, इसको डिस्चार्ज कर लेते थोड़ी देर में। ओके यार, तो अपना लंच कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट तो करके आया था मैं आंटी के यहाँ, प्रदीप भैया की मम्मी के पास। तो अभी मैंने बन ऑमलेट, चाय, एक फ़ैन और एक केक, लगभग 50-60 का बैठेगा बिल। अच्छा है, लेकिन अंकल बोल रहे हैं, मैप दिखा रहा है चौपटा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, और अंकल बोल रहे हैं चौपटा यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है। लेट्स सी, पता लगता है कितना राइड कर सकते हैं आज। चौपटा सीधा चलो। ठंड बहुत हो गई भाई साहब, ग्लव्स पहनने पड़ गए। तो यार अभी एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं शाम को, जस्ट अभी अभी पहुंचा हूँ चौपटा में। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री है, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में टेंट लगाऊंगा। वैसे टेंट अलाउ नहीं है इस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो जा चुका है, तो शायद मैं लगा पाऊँ यहाँ पर टेंट। टेंट लगा के फिर खाना बनाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क आता है जियो का, लेकिन बहुत कम आता है, एक दो सिग्नल ही आते हैं, तो कॉल वगैरह कर सकते हो। लेकिन टाइम तो लग गया, इसको निकाल देते हैं। कैंपिंग करते वक्त सबसे पहला काम अगर ठंड है तो पानी गर्म करने का है यार। अभी मेरा यहाँ पे पानी गर्म कर रहा हूँ, पानी गर्म करके इस बॉटल में भर लूँगा और फिर चाय बनाऊँगा उसमें। तब तक मेरे पास सब्जियाँ हैं, आलू टमाटर प्याज, अजवा मछली बनाना है, क्योंकि हाई माउंटेन पर चावल अच्छे से गलते नहीं हैं, इस वजह से एक एक आलू टमाटर प्याज काट लेते हैं। बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, तो मेरा जो गैस स्टोव है नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर लगाया है। अब जब अंदर आते ही इसका घी पिघलने लगा है। The next morning. ऑलमोस्ट सामान मेरा सामान पैक कर लिया है, बस मेरा मैट बचा है। और बाहर यार कुछ बना नहीं सकता, हवा बहुत तेज चल रही है, तो इसलिए अंदर ही मेरे को जिंजर लेमन हनी टी बनाना है, तो अंदर ही बनाते हैं। ऑलमोस्ट पैक करने लगा हूँ सारा मैं अंदर, बस कुकर में सुबह चावल बना रहा हूँ मैं, पीले चावल, और बैग पैक कर रहा हूँ। क्या नज़ारा यार, बस लगता है 15 मिनट में मेरा टेंट पैक हो जाएगा और फिर यहाँ पे मैं शॉप पे सामान रख के ऊपर निकल जाऊँगा तुंगनाथ कपट के लिए। तो मैंने बनाया है अपने हाथों से स्पेशल देसी घी के पुलाव। ओए होए, गरमा गरमा भैया, निकालो ये देसी घी, ट्राई करो आप, अब बताओ कैसा टेस्ट है। पहले एक काम करो, उसमें से देसी घी निकालो, उसमें से चम्मच भर के गरम गरम ना इसमें मिला लो। अच्छा, इसी में? हाँ, ज़्यादा से निकालो चम्मच भर के, जम गया है तो। अरे पानी, बॉटल में पानी जम गया मेरी। हाँ यार, तो ऐसे जमता, -6 पे था सुबह। इसमें डाल दो? हाँ डाल दो। ओके, और डाल दो, पेल के डालो, शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आएगी। हाँ बढ़िया, अब इसको मिला दो, थोड़े से चावल कच्चे ना रहे हो, क्योंकि ठंड है ना। नहीं, ठंड में ऐसे रहते ना। हाँ, चावल थोड़े खड़े रह जाते हैं।
काश भाई अपने गर्म गर्म देसी घी के हाँ। इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में तहरी 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 अच्छा। वेज पुलाव वेज पुलाव में सामग्री थोड़ी कम थी लेकिन अच्छा। सही है। चलो भैया सर्व करो। अकेले खाने में क्या मजा है यार जो मजा सबके साथ मिल बांटे खाने में आते है। सही बात है। इतने भी थोड़े थोड़े निकालो तो इतने गर्म रहेगा ना कुक की दुकान में ना? अभी टेम्परेचर माइनस में ही है माइनस दो माइनस तीन होगा इतना। आहा क्या बात है।